शुरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। चलती ट्रेन में युवक ने टॉयलेट के सामने शादीशुदा महिला के साथ रचाई शादी। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने बिहार के सुल्तानगंज से आ रहा है, जहां पर एक अनु नाम की लड़की एक्चुअली में आशु नाम के एक लड़के के साथ काफी ज्यादा प्यार किया करती थी, और उस दौरान ही उसके घर वालों को उसके प्रेमी के बारे में पता चल गया, जिसके कारण घर वालों ने एक्चुअली में अनु को घर से बाहर निकलने के लिए नहीं दिया और घर में ही बंद कर दिया। इसी दौरान ही कुछ ही टाइम देखने के बाद उन्होंने एक्चुअली में अनु के लिए एक लड़का देखा और जल्द से जल्द लड़की की शादी करवा के उसको अपने दूल्हे के साथ भेज दिया। इसी बीच अनु जो है वो काफी ज्यादा तकलीफ में थी, वो अपने प्रेमी के साथ आशु के साथ मिलना चाहती थी, जो कि एक्चुअली में किरणपुर गांव का रहने वाला है। पर जैसे ही उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद जैसे ही वो अपने दूल्हे के घर पे पहुंची, वहां से पहुंचने के बाद रास्ता देखने के बाद वो वहां से फरार हो गई, और उसने एक्चुअली में संपर्क किया अपने जो कि एक्चुअली में प्रेमी थे आशु के साथ, उसने संपर्क किया और वो दोनों जो है वो वहां से भाग निकले और ट्रेन में बैठ गए बेंगलुरु जाने के लिए। इसी दौरान ही उन्होंने ट्रेन में टॉयलेट के सामने एक्चुअली में शादी भी कर ली। वहां पर मौजूद काफी सारे यात्रियों ने उनकी वीडियो और फोटोज भी खींचे और उनको आशीर्वाद भी दिया। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी हमारी तरफ से काफी ज्यादा अपडेटेड लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।